नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और बहुत बहुत अच्छे हो गए दोस्तों, और अपने अपने घरों में खुश हो गए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ भिंडी की भुजिया और मेरी चाय भी तैयार हो गई है। तो बस चाय पी लेती हूँ, क्योंकि मतलब सुबह सुबह का टाइम है ना, थोड़ा चाय पीने का मन करता है। बस आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। चाय बन के तैयार हो गया और एकदम चाय मतलब एकदम अच्छे से बन के बन गया है। तो नहाने धोने के बाद ना चाय पीने का थोड़ा सा मन करने लगता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग भी आ जाइए। और भिंडी तब तक बन रही है और उसमें सारे थोड़े थोड़े मसाले भी डाल दिए हैं। ज़्यादा भिंडी नहीं, थोड़ा सा ही मैं बना रही हूँ। तो नाश्ते के लिए जल्दी जल्दी बना रही हूँ, फिर उसके बाद मैं कोई सब्ज़ी वगैरह बना लूँगी बाद में। पहले थोड़ा सा भिंडी बना लेती हूँ, क्योंकि भिंडी सबको पसंद आता है घर में। और उसके बाद क्या बोलते हैं, इनको लेके जाना था अपना अपने मतलब कि जाते हैं ना काम में, तो नाश्ता उन्हीं के लिए मैं बना रही हूँ, बच्चे लोग और इनके लिए। तो बस अभी मैं थाली लगा दे रही हूँ। ये देखिए भिंडी की भुजिया, आलू की भी भुजिया मैंने बना लिया था थोड़ा सा, और पराठा बना लिया था, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। तो बस, और आम वगैरह था। तो आप लोग भी आ जाइए दोस्तों, थाली लग गई है। तो थाली में है आम, भिंडी की भुजिया और पराठा, सिंपल पराठा है, और आलू की ये भिंडी की भुजिया है। तो आप लोग भी आ जाइए दोस्तों। और बस सिंपल सी थाली है, और ये क्या बोलते हैं, अब थोड़ा मोड़ा आम मिल रहा है, ज़्यादा नहीं मिलता है। तो बस जो मिल रहा है, मिल जाता है तो ये ले आते हैं। तो बस अब ले आए हैं, पैसा लगाया तो फिर खा लेते हैं हम लोग। लेकिन अब मतलब आम मैंने मना कर दिया है लाने के लिए, फिर भी कभी कभी भूल जाते हैं तो ले के आ जाते हैं, मिल जाता है तो ले आ रहे हैं। तो बस आप लोग भी आ जाइए दोस्तों। और गलती से मुझसे गलती हो गई है। पहले तो पहली बार में कोशिश करने से गलती होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, मैं वीडियो बनाती हूँ तो कुछ गलती होती है, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और बहुत बहुत अच्छे हो गए। तो दोस्तों, अभी हो गया शाम का टाइम, और शाम के बज गए हैं, कितने बज गए हैं, अभी 4 बज गए हैं। और बाहर में धूप भी वैसे ही है, बारिश वरिश नहीं हो रहा है, मतलब थोड़ा बहुत कम यहाँ बारिश हो रहा है। लेकिन सबको बोल रहे हैं कि होगा जब होगा देखा जाएगा। और उसके बाद क्या बोलते हैं, सारा काम वाम हो गया है, 4 बजे से पहले ही हो गया था सारा काम, हो गया खाना पीना सब हो गया है, सारा खाना पीना हो गया है। हमने खा पी लिए हैं, बर्तन और तंदूली किचन क्लीन हो गया सारा का सारा। उसके बाद अब मैं थोड़ा सा फ्री हुई हूँ, तो सोचा कि मैंने मतलब कि चलो ये अब वीडियो एडिटिंग वगैरह कर लेते हैं। तो बारिश वगैरह तो नहीं हो रहा, बारिश होता है तो बहुत ठंडा ठंडा हवा चलता है, और लाइट का भी वही दिक्कत हो जाता है यहाँ पर। तो बस अब चलते हैं, एक दो वीडियो एडिट कर लेती हूँ, और एडिट करके रख लेने से ठीक रहता है, फिर जब अपलोड करना होगा तो मैं करूँगी। लेकिन अभी मैं वीडियो एडिटिंग करूँगी, जब टाइम मिलता है ना तब मैं कर लेती हूँ। जैसे एक कर लिया अभी, एक कर लिया बाद में, इस तरह के सुबह अभी। तो यहाँ मेरा पूरा किचन क्लीन हो गया है, ये देखिए सारा कुछ, बर्तन वर्तन सब कुछ धो लिया है, सब लगा भी दिया है। और ये सब मतलब कि तो सारा कुछ हो गया है, और मैं चली मतलब कि थोड़ा आराम करना होगा तो आराम करूँगी, नहीं तो वीडियो एडिटिंग करूँगी और क्या करूँगी। और लाइट नहीं है इसलिए लाइट बंद करके रखना पड़ रहा है, नहीं तो इन्वर्टर ख़त्म हो जाएगा। तो चलते हैं अपना कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं थक भी जाती हूँ तो थोड़ा मोड़ा लेट जाती हूँ। तो बस बच्चे लोगों को खाना पीना मैं दे रही थी, इसीलिए हो गया काम, तो कब का ख़त्म हो गया था। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं दोस्तों। आप प्लीज़ दोस्तों, आप लोग सपोर्ट करिए, आप लोगों का सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। आप लोग एक का एक सपोर्ट भी मतलब करिएगा ना तो बहुत अच्छा रहेगा। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, और लाइक शेयर कमेंट करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए प्लीज़ दोस्तों। बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, थोड़ा थोड़ा भी टाइम मिलता है ना तो उसे मैं वीडियो के लिए निकालती हूँ। मतलब कहीं जाना आना मैंने छोड़ दिया है, जब से यूट्यूब वगैरह मैं की हूँ तो उतना जाती नहीं हूँ, घर में ही रहती हूँ। और देख रहे, शकल भी 12 बज गया शकल पे, क्योंकि
मैं ना मतलब कि हमेशा सोचती हूँ ना कि अच्छे से अच्छा करूँ और वीडियो एडिटिंग वगैरह करने में लग जाती हूँ या फिर घर के काम ख़त्म होते हैं, और घर के काम तो आपको पता ही है कभी कुछ लगा ही रहता है इसीलिए। तो चलिए दोस्तों, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है दोस्तों। और आप लोग से मतलब आप लोग का बहुत बहुत ये रहेगा अगर आप लोग करते हैं तो मेरी तरफ से, तो प्लीज़ करिए। तो दोस्तों मैं आ गई थी थोड़ा बाहर कपड़े वपड़े देखने के लिए, और बारिश वगैरह तो उतना हो नहीं रहा है, लेकिन हाँ मतलब मौसम थोड़ा सा ठीक है। और देखिए अभी भी मतलब कि शाम ही का टाइम है, ज़्यादा भी मतलब ये नहीं हुआ है। आंगन तरफ मैं आ गई हूँ और कपड़े वगैरह जो होंगे ना मैं उठा के ले कर जाऊँगी। और बस आज ना सुबह से लाइट नहीं था तो बारिश मतलब लाइट नहीं था तो पानी भी नहीं है, और पानी सारा खाली है, तो वही मैं देखने आई थी कि पानी वानी चल रहा है तो मैं भर लूँगी पानी। तो बस अब क्या कर सकते हैं, देखिए सारा मतलब जो डब्बा डुब्बी जो मेरा रहता है ना सब खाली है, पानी का थोड़ा यहाँ दिक्कत हो जाता है हमेशा। और इस घर इसीलिए मैं ना कोई अब मतलब कुछ और घर खोज रही हूँ। और ये देखिए पत्ते कितने गिर जाते हैं, इसी टाइम इतना पत्ता गिर गया, अभी रात भर बाकी है और दिन भर बाकी ही है, तो पत्ते गिरते ही रहते हैं गिरते ही रहते हैं। और झाड़ू लगाना पड़ता है, सुबह एक घंटा इसी में लग जाता है दोस्तों। तो और इधर बाहर में ना मतलब कि बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा था तो इसलिए फिर मैं वॉइस ओवर करने लगी। तो बादल भी किया है, और देखिए कितना ज़्यादा धूप है, तो हल्का बादल भी है लेकिन धूप भी है, और पता नहीं बारिश होगा कि नहीं होगा, तो धूप ज़्यादा ही है। और अब त्योहारों के दिन चालू हो गए हैं दोस्तों, तो यहाँ पे ना अब सारे त्यौहार एक लाइन से सब आते रहेंगे, तो सारे एक एक करके आएंगे और फिर उसके बाद त्यौहार की लाइन लग जाती है, और अच्छा लगता है त्यौहारों के दिन में। तो बस नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, कैसे हो आप सब, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे और बहुत बहुत अच्छे होगे। तो ये दोस्तों दूसरे दिन का वीडियो है और उसके अगले दिन का। तो यहाँ पे मैं बना रही थी ये क्या कहते हैं मटर, हरे मटर की छोला टाइप का होता है ना, रगड़ा टाइप का, वही बना रही थी। तो यहाँ मैं रात को फूलने के लिए डाल दिया था, अच्छे से फूल गया, तो अब कुकर में मैं इसे डाल के और उबाल लूँगी, और इसी में एक दो आलू भी डाल दूँगी। ये देखिए, और ये बोला ना बच्चे लोगों को बहुत अच्छा लगता है, मटर छोले ये सब बच्चे लोगों को बहुत पसंद आता है। और आज मैं बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ, तो बस यहाँ पर ना ये क्या बोलते हैं मैं कुकर में डाल के और जो थोड़े बहुत मसाले वसाले होंगे हल्दी नमक ये सब डाल के मैंने उबाल दिया था, ये देखिए। और प्याज मैंने दो तीन चार दो ही प्याज लिया था, और ये देखिए मसाले निकाल लिए, इसमें पानी डाल दिया था थोड़ा फूलने के लिए, और आलू भी मैंने डाला था, तो आलू मैंने शायद निकाल लिया है, और ये देखिए कितने अच्छे से गल गया है बहुत अच्छा से, और ये वाला बहुत अच्छा लगता है बच्चों लोगों को। तो ये वाला मैं मटर के छोले बना रही हूँ, और इसके साथ पूड़ी रोटी चावल कुछ भी खा लीजिए बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ प्याज मैं पीस रही थी, प्याज वाज जो और टमाटर ये देखा आलू को मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया है। तो जो भी होता है ना दोस्तों मेरी वीडियो में ना जो मतलब कुछ भी छुपाती नहीं हूँ, जो असलियत रहती है वही मैं दिखाती हूँ, कुछ कैमरा के पीछे और कुछ आगे नहीं रहता, जो रहता आपके सामने सारा हकीकत मैं रख देती हूँ। तो बस और वीडियो बनाना मैं थोड़ा हाथ में कैमरा लेके ही ज़्यादातर बनाती हूँ, आप लोग देखते ही होंगे। तो आप लोगों को वीडियो मतलब ये क्या कहते हैं बनाने में बहुत मेहनत लगता है, क्योंकि काम भी करो फिर वीडियो भी बनाओ, और मेरा हेल्प तो कोई करता नहीं, आप लोगों को पता ही है। तो हेल्प कोई करता नहीं है तो दिक्कत तो होता ही है, थोड़ा वीडियो भी इधर उधर हो जाता है, गलती होती है दोस्तों, लेकिन फिर अपनी गलती धीरे धीरे सुधार भी रही हूँ, और इस अच्छे अच्छे वीडियो भी बन जाते हैं, परफेक्ट वीडियो भी। तो बस आप और मैं किसी से मतलब कि वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट ही करती हूँ कि मेरा वीडियो बना दो, तो कोई कोई बना भी देते हैं, नहीं बनाते हैं तो मैं खुद बनाती हूँ, क्योंकि वीडियो बनाना अब मुझे अच्छा भी लगता है, पसंद आता है इसीलिए। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग वीडियो देखिए, लाइक शेयर कमेंट करिए, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ हर काम, मतलब कि ये काम अपना करके, ये नहीं कि घर का काम नहीं कर रही हूँ और बाहर का मतलब ये वीडियो वाला काम कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए प्लीज़ दोस्तों आप लोग करिए, सपोर्ट करिए, और बहुत ये से मैं भी आप लोगों को बहुत दिल से बहुत मानती हूँ, अपने ऑडियंस को जो भी मेरे वीडियो देखते हैं, तो इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे परिवार जैसे हो, तो आप लोग परिवार हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिए आप लोग। और यहाँ ये देखिए मैंने डाल दिए हैं, और टमाटर वगैरह भी डाल दिया, आलू भी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया है,
और अब इसे मैं रख दूंगी पकने के लिए, तो पकेगी थोड़ी देर और फिर उसके बाद ये तैयार हो जाएगा ये, और बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। तो आलू मैंने शायद थोड़ा सा डाला था, अब पूरा डाल दिया आलू जो भी था, तो छिला हुआ नहीं था। और ये देखिए कितनी अच्छी गाढ़ी गाढ़ी तैयार हो गई है और बहुत ही टेस्टी लग रहा था। तो और उसके बाद मैं थाली लगा रही हूँ, तो थाली में मैं मतलब लंच ही बना रही थी, नाश्ता वगैरह तो हो ही गया था, तो लंच ही बना रही थी। तो ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। तो इसमें बना है ये मटर के छोले और मटर वाले छोले बने हैं, और ये क्या बोलते हैं मटर आलू के छोले बने हैं, और ये वाला ना बहुत पसंद आता है। उसके बाद रोटी बना है, और रोटी चावल सब मैंने बना लिया है एक ही साथ, और एक ही साथ मैं प्लेट में कभी कभी अलग अलग बनाती हूँ रोटी और सब्जी, और कभी कभी एक साथ भी बना लेती हूँ। तो रोटी हम लोग खाए नहीं थे, तो इसीलिए फिर मैंने रोटी भी रख दिया है प्लेट में और चावल भी है और छोले। तो आ जाइए दोस्तों, थाली लग गई है, और ये देखिए कितने टेस्टी थाली लग रहा है। आप लोग भी आ जाइए और बताइए कैसा टेस्ट है। और सिंपल सा है, कुछ खास तो है नहीं, लेकिन हाँ कुछ खास नहीं रहता, सिंपल सा ही रहता है, लेकिन हाँ उसको टेस्टी बनाए जा सकते हैं। और हम औरतों में ही ये गुण रहती है, इसलिए आप और नहीं आदमी में भी रहता है, ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों, बुरा मत मानिएगा, सब में रहता है ये गुण, लेकिन उसको थोड़ा सा मतलब सिंपल से सिंपल चीज़ को थोड़ा अच्छा बनाने का मतलब रहता है, तो वो अच्छे से खा पी लेता। और मैं शाम को गई थी कहीं बाहर, तो बाहर से अभी आ रही थी शायद या जा रही थी, ऐसा ही कुछ हो रहा था। तो मैं गई थी अपनी आईब्रो मतलब बनवाने के लिए, मेरे तो ऐसे आईब्रो उतना है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत मैं बनवा लेती हूँ कभी कभी, तो वही मैं बनवाने गई थी। और दोस्तों चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड से शेयर कराना भूलिएगा दोस्तों। बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर, और कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए दिन के साथ, के शुरुआत के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे दोस्तों। और ये देखिए मेरा आईब्रो बन गया है, और मेरा आईब्रो बहुत कम है ना दोस्तों, इसलिए मैं थोड़ा बहुत बहुत दिनों पे बनाती हूँ, और अभी त्यौहार आ रहे हैं ना, तो ये बनवाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सब कोई अच्छे दिखने चाहते हैं, तो मैं भी थोड़ा सा अच्छी दिखने लगूँगी और सुंदर लगूँगी, इसलिए मैंने बनवा लिया है। और अकेले ही गई थी, कोई नहीं गया था, क्योंकि